ओहो, ये लड़की भी ना। सलमा, अरे यो सलमा, सलमा सारा दिन सोती रहेगी क्या? अम्मी सोने दो ना, और क्या करवाओगी तुम मुझसे, मैं यहाँ सोने ही तो आती हूँ। अरे तेरा सोना मुझे बुरा लगे, तेरी ससुराल में भी तुझे सब बुरा बतावे हैं। अम्मी तुम्हें तो हमेशा मेरी बुराई चमकती है बस। अरे एक बात सुन, कल इकबाल आने वाले हैं, एक नया सा सूट सिल ले। हाँ हाँ, कमी ना है मेरे पे सूटों की। हाँ चल, जैसे तेरी मर्जी, अब चल के खाना तो खा ले, चल। चलो। सोने भी नहीं देती, गर्दन भी दर्द कर रही है मेरी तो। एक बात सुन ले भाई। हाँ सुना। अब्बू ने कह दी जल्दी आना भाई, अभी चल देंगे, दिन है भी तो। अरे मैं अभी कह दूंगा सलमा से जाते ही कि तैयार हो जा। कभी मरा मर जा, दो चार दिन। अरे नहीं, सलमा को लेके रुखसाना के यहाँ चलना है, फिर रुखसाना को लेके घर चलेंगे। अम्मी क्या कर रही हो? अरे बेटा तय कर रही हूँ कपड़ों की। अम्मी अम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, दुनिया में सबसे अच्छी अम्मी तुम ही हो। अच्छा अच्छा, अब मक्खन लगाना बंद कर, सीधे सीधे बता क्या चाहिए। अम्मी अब तुम मुझे ना दो सूट देना। क्यों, एक ही ले जाना? देख तेरे अब्बू का काम हल्का चल रहा है, तेरे अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे कि रुखसाना को एक ही सूट दे देना। तुम झूठ बोल रही हो अम्मी, अब्बू तो मुझे दो की कहते हैं, मुझे एक अपनी नंद को देना है, वो आई हुई है, कह रही थी इतने मैं यहाँ पे हूँ, इतने तू अपने घर होया। ठीक है ले जाइयो, अब तो खुश। अम्मी वो बहुत अच्छी हैं और अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। अब्बू कुर्ता पजामा पहनते हैं अम्मी, कुर्ता पजामा। तो सीधे सीधे बोल के शेख चिल्ली के अब्बू के भी कपड़े चाहिए। अम्मी तुम कितनी समझदार हो। चल जा अब आराम कर। ठीक है अम्मी, बहुत अच्छी हो अम्मी तुम। अरे मेरी बेटी, ऐसे ले जा या वैसे ले जा, सब तेरा ही तो है भाई। इकबाल भाई, अब तू यहाँ आराम से लेटने के लिए आया, तन तो एक बेर बिना की ससुराल में जाना। हाँ यार तू ठीक कह रहा। एक बात सुन ले, तू अभी इसी कहेगा जब सुबह भेजेगी। चल मैं अम्मी से कह रहा हूँ। अब नाराज होंगे, लाल पीला ना हो रहा। हाँ हो रहे थे तो फिर। और भाई एक बात सुन ले, मैं तो चला जाऊंगा भैया। ठीक है तो मैं अभी कह रहा हूँ। अभी बोल अपनी सासू से बोल। अम्मी अम्मी देख ले, सुन तो ना रही है। हाँ इकबाल बोलो, क्या बात है? अम्मी वो हम अभी जाएंगे, सलमा अभी चलना है। जरूरी है अभी चलना? अभी आए अभी चले जाएं, एक दो रोज रुक के जाइए जी। रुकने की बात नहीं है, मारा अब वैसे नाराज हो रहा। शेख भाई मना लो ना अपने यार को। इमोशनल कर रही है। सही कह रही है सलमा, एक दो दिन रुक के चले जाना, तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा? तुम्हारा दोस्त क्या रोज रोज आ रहा है? अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अम्मी की बात मानो। देखो खाला, दोस्त कुछ नहीं बोलेगा, मेरी तरफ से तुम अभी भेज दो, हम तो रात को भी चलना जाना है, क्यों इकबाल? हाँ ठीक कह रहा मेरा दोस्त। नहीं नहीं बेटा, सलमा के अब्बू भी नहीं है घर पे, सुबह चले जाना, मैं अकेली विदा नहीं करूँगी। ठीक है भाई। इकबाल कुछ तो राहत मिली, वरना भाभी तो तीन चार दिनों के लपेट रही है, अब सुबह तो निकल लेंगे। शेख भाई आप ही बताओ, कोई लड़की अपने घर से जाने को राजी होती है क्या? भाभी राजी तो हम घर से आने भी ना थे, हम तो पहले रुखसाना को ला गए तभी आते हैं, हम तो यहाँ आ ही गए। अच्छा ऐसा करो, भूख लग रही है, रोटी पका लो। हाँ सलमा सही कह रही है मेरा दोस्त शेख चिल्ली, पहले हम रुखसाना को लेने जा रहे थे। अच्छा रुको मैं मुर्गा पकाती हूँ, मुर्गा रखा हुआ है, चल बेटा तू रोटी बना। ठीक है अम्मी। ओए मुर्गा पहले मंगा रखा। ये ठीक है भाई। एक बात है, रुखसाना को लेने चलेंगे, ऐसे चल गए सुबेरी सुबेरी, अब इसी कहेगा जब भेजेंगे, वरना ही रोक लेंगे। ऐसा है ये मुर्गा बना रहे, उसे लपेटेंगे अभी निकल लेंगे। ये ठीक है, बस सुबह भी निकलेंगे जब भी ठीक है।
तो जैसे तू कहेगा मेरे यार, मैं ऐसे करूंगा। ये इसे कहते हैं दोस्ती। अबू, आपने तो ये आधा ही खाना खाया है। हाँ बेटा, मेरा खाने को मन नहीं था। क्यों नहीं था अबू? बेटा, मुझे शेखू की बहुत याद आ रही है। अबू, शेख भाई तो आप पहुँच गए होंगे। हाँ, पहुँच तो गया होगा। अबू, तुम तो बोल रहे थे कि इकबाल के साथ देख ना लूं। अरे मैंने देख लिया था, इकबाल मेरे शेखू को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मैंने तभी सोच लिया कि ये जाएगा जरूर। ठीक है भैया, इसी बहाने से भाभी को भी ले आएंगे और मुझे भी जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज वाली बात है तो चल, तुझे मैं छोड़ाता हूँ। अबू, वो आएंगे, मैं तभी जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू चल आराम कर। अबू, आप भी लेट जाओ। ठीक है ठीक है। ओए भाभी, इस टाइम प्लेट में खाना लेके कहाँ जा रही है? बेटा कुछ दाल में काला लग रहा, मुझे देखना चाहिए। बेटा जी एक चिल्ली, अगर मैं भाभी के साथ जाऊंगा, अगर मेरा यार उठ गया तो देखेगा एक चिल्ली कामयाब सखना करने लगे। है? क्या करूं? एक काम करता हूं। ये तेरे आने का टाइम है? अजी क्या बताऊं, वो आज मेरा कमीना शौहर अपने कमीने दोस्त को साथ लेके आ गया, इसीलिए खाना बनाने में लेट हो गई। क्या, तेरा शौहर? हाँ जी हाँ। जब तेरा शौहर तेरे घर आ गया तो तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
मगर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है ना कि उस शोहर की। देख सलमा, तुझे आज फैसला करना होगा, या तो तू अपने शोहर की हो जा या इस बाबा छल्लम छू की। मैं तो कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में रहूंगी। बस अगर तेरा ये फैसला है तो जो मैं कहूँगा वो करेगी? हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। एक बार हुक्म देकर तो देखो मेरे आका। ले पकड़ हथियार। मैं कुछ समझी नहीं जी। मैं समझाता हूँ तुझे। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो जा अपने शौहर का सर कलम करके मेरे कदमों में डाल दे। ये क्या कह रहे हो छल्लमछू जी? अगर नहीं कर सकती तो मेरा सर कलम करके जा अपने आदमी के कदमों में डाल दे। ये काम तो बहुत कठिन है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोल नहीं रहा हूँ, या तो मेरी हो जा या आज के बाद भूल जा इस बाबा छल्लमछू को। आप तो मेरे पहले से ही हो, मैं तो शादी ही नहीं कर रही थी। उठाइए हथियार और फैसला कर ले, तेरी और मेरी मोहब्बत के बीच की हर दीवार गिरा दे। मैं आज अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया की हर दीवार गिरा दूंगी। एक्चुअली मुझे अपने यार की जान बचानी चाहिए, कुछ भी हो जाओ गंडा सर एक आ रही है। मेरा इकबाल, मेरा यार। यकीन आ गया ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुमने क्या किया? तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे
बहुत प्यार करती है। हाँ, और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुझे तो अब मैं इनाम दूंगा, तेरा एक इनाम तो बनता है। और इनाम भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही इनाम दूंगा। खड़ी हो। मुझे ये तो बता दो कि मेरा गुनाह क्या है जो तुमने मुझे इतना मारा। ये तूने क्या किया? मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था और तूने सच में ही अपने जीवन साथी का सर काट दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। वही तो, आज मुझे पाने के लिए तूने अपने शौहर का सर काट दिया, कल तू किसी और को पाने के लिए मेरा भी सर काट सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। जा, यहाँ से चली जा, और आज के बाद यहाँ आने की दोबारा मत सोचना। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? छलमचू, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, घर का ना बाहर का। इसी वक्त मेरी कुटी से बाहर हो जा और भूल जा बाबा छलमचू को कि तू इस कुटी में कभी आई भी थी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की ना रहूंगी। इस कुटी में तेरी जैसी बहुत औरतें आई, लेकिन किसी ने वो नहीं किया जो तूने किया। निकल जा यहाँ से, इसे उठा और जा यहाँ से। Thank you.